Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. So guys, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा post workout के बारे में और एक ऐसी information आपको दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से food खाने चाहिए, बिना supplement लिए आप कैसे अपने post workout में एक सही nutrition लें ताकि आप muscle building कर सकें। तो वो सारी information आपको मैं इस video में दूंगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो मैंने प्री वर्कआउट के ऊपर बनाया है वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं या कर चुके हैं और अगर आपने इस बेल आइकन को क्लिक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ क्लिक करिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर आप अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए, जो सारे अनाउंसमेंट और मैसेजेस का रिस्पॉन्ड होता है मैं वहीं पर करता हूँ। सो गाइस, पोस्ट वर्कआउट को समझने से पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको आपकी जो ओवरऑल न्यूट्रिशन है यानी कि दिन भर में जो आप खाना खा रहे हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो एक सही बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप वो सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं तब आप जो पोस्ट वर्कआउट में जो आप मील देंगे, जो आप चीज़ें करेंगे वो बेनिफिट करेगी। तो पोस्ट वर्कआउट एक ऐसा टाइम होता है प्री वर्कआउट के साथ, जो वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद का जो ऐसा समय होता है जो बहुत ही एफिशिएंट होती है बॉडी हमारी उस टाइम पे किसी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, बहुत ही यूटिलाइज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस तरह पे ऐसे टाइम पे हमें पोस्ट वर्कआउट मील में हमें फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए होता है, फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं जो आपने मसल बिल्डिंग वर्कआउट के दौरान जो आपने मसल अपना ब्रेक किया होता है, डैमेज किया होता है उसको रिपेयर करने के लिए और जो आपके एनर्जी लेवल्स लो हो गए होते हैं वापस से रिप्लेनिश करने के लिए। तो पोस्ट वर्कआउट के बारे में सबसे पहला टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो है आपके न्यूट्रिशन यानी फूड के बारे में। तो जब आप अपना वर्कआउट ख़त्म करें तो उसके बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन और कार्ब्स लेने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी जो डैमेज हुई है वर्कआउट के दौरान, हैवी लिफ्टिंग के दौरान, उसमें रिपेयर शुरू हो मसल का और साथ ही साथ जो आपकी बॉडी ने ग्लाइकोजन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिप्लीट किया है वो आपके रिप्लेनिश हों। तो उसके लिए आप क्या लेंगे, 6 to 8 एग वाइट्स और उसके साथ आप कंज्यूम करेंगे 1 बनाना और 4 डेट्स यानी कि खजूर। और अगर आपको खजूर नहीं मिलते हैं तो आप बेरीज भी कंज्यूम कर सकते हैं, रेसबेरीज या ब्लूबेरीज, ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग वाइट्स निकाल दीजिए और एग वाइट्स की जगह पे आप कंज्यूम करिए लो फैट पनीर, लो फैट कॉटेज चीज़, सोयाबीन जो दाल आती है वो, या काले चने। तो आप ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं राइट आफ्टर योर वर्कआउट। गाइज, मैं खुद 3 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ और उन 3 सालों में मैंने जो ठेले लगे होते हैं एग वाइट्स एग्स के, रेड़ियाँ लगी होती हैं जो जहाँ पे केले वगैरह बेच रहे होते हैं, तो मैं वहाँ पे खड़े होके मैं एग वाइट्स कंज्यूम करता था, बनानास कंज्यूम करता था जब मैं दिल्ली में वर्कआउट करता था। तो गाइज, मैंने एक बहुत अच्छा फेज़ देखा है मसल बिल्डिंग का सिर्फ और सिर्फ एग वाइट्स में। और आज भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं दिन भर में कम से कम प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं दिन में सिर्फ एक बार सिर्फ एक स्कूप कंज्यूम करूँ वर्कआउट करने के बाद। और ज़्यादातर मैं रिलाई करता हूँ रियल जो होल फूड है, क्योंकि आप दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट ले लीजिए, बेस्ट प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, लेकिन वो कभी भी रियल फूड, एग्स, चिकन, फिश, इन सब चीज़ों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। और जो बॉडी आपकी रिस्पॉन्स करेगी, निखर के आएगी, जो कंडीशनिंग आपको मिलेगी, जो स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी वो रियल फूड से ही होगी। गाइज, मैं इस बात में किसी से भी चैलेंज कर सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी से भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि प्रोटीन पाउडर का रियल फूड का मुकाबला प्रोटीन पाउडर्स कभी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि जो IFBB मिस्टर ओलंपिया लेवल के जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या दिन भर में प्रोटीन पाउडर ही लेते हैं? वो सिर्फ मार्केटिंग है गाइस, जो आपको दिखता है वो 2-3 स्कूप ले रहे हैं प्रोटीन पाउडर। उनकी बॉडी के हिसाब से भी अगर उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 300 से 400 ग्राम है तो उनका 90% हिस्सा, प्रोटीन का 90% हिस्सा उनका रियल फूड से आ रहा है, एग्स, चिकन, फिश, पनीर, टोफू, इस तरह की चीज़ों से वो कंज्यूम कर रहे हैं रेड मीट, ना कि प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 स्कूप लेते हैं राइट आफ्टर योर वर्कआउट, लेकिन दिन भर का उनका जो मेजर चंक है, जो 23 घंटे हैं, उनमें वो जो रियल फूड कंज्यूम कर रहे हैं। इसी वजह से वो जो कंडीशनिंग, जो आप मस्कुलर साइज देखते हैं, जो बेलीज, मसल बेलीज देखते हैं, वो उसी वजह से बनी है, स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, राइट। तो फोकस कीजिए रियल फूड में। ये तो थी फूड की बात। अब जो दूसरा टिप है वो है मेरा लिक्विड को लेके, ड्रिंक को लेके। तो ड्रिंक्स आपको राइट आफ्टर योर वर्कआउट, जो आप खाना लेंगे, जो ये फूड लेंगे उसके साथ आपको लेना है जूसेस। अब जूसेस में आप कौन कौन से जूसेस ले सकते हैं, मौसम्बी,
शुगर केन या कोकोनट वाटर। तो ये तीन जो आपके ऐसे लिक्विड हैं जो आपकी बॉडी ने जो इलेक्ट्रोलाइट जो डिप्लीट किए हैं वर्कआउट के दौरान, जो जिंक लेवल आपका ड्रॉप हो गया है, कमज़ोरी सी आ जाती है लोगों को कि सर बहुत थकान लग जाती है वर्कआउट के बाद, बॉडी एकदम किसी काम की नहीं रहती, तो वो चीज़ को रिकवर करने के लिए फटाक से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, जिंक लेवल को वापस से लेवल में लाने के लिए ये सारे जो लिक्विड है, मैं जो ड्रिंक्स बता रहा हूँ, जूसेस बता रहा हूँ, ये आपको लेने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हाई इन शुगर होता है, तो आपको ठीक वर्कआउट के बाद शुगर ले सकते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ जूसेस जो आपके नेचुरल रॉ शुगर हैं, जो नेचुरल सोर्स से आ रहा है। ये नहीं कि आप सिंपल कार्ब्स गेटोरेड लेना शुरू कर दें या ग्लूकोज मिला के पी रहे हैं प्रोसेस शुगर, वो आपको नहीं लेना है। सिंपल शुगर आपको लेना है लेकिन नेचुरल फॉर्म में, जो फ्रूट से आ रही है, बनानास, डेट्स, जूसेस से आ रहा है, राइट। सो गाइज, ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन सारे टिप्स को आप एक हफ्ता फॉलो करके देखिए रिलीजियसली, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतना फ़र्क महसूस होगा अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी स्ट्रेंथ में। तो गाइज, ये बस डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास समय है, खाना बना के खाने का डेडिकेशन है, तो आप पूरी तरह से मसल बिल्डिंग कर सकते हैं विदाउट सप्लीमेंट्स। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास समय की कमी होती है, स्केड्यूल बिजी होने लगता है, तब आप फूड रिप्लेसमेंट ऐड करते हैं अपनी डाइट में। ये प्रोटीन पाउडर लेना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंडेटरी है, आप मसल बिल्डिंग करने जा रहे हैं, वर्कआउट करने जा रहे हैं, हर किसी को कम्पीट थोड़ा करना है, हर किसी को स्टेज में थोड़ी जाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपकी लाइफ में आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और मसल बिल्डिंग बहुत आसान काम है, नेचुरल फूड में रह के भी आप, रॉ फूड में, रियल फूड में रह के भी आप मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन एंड फॉलो मी इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टेक केयर, जीत सलाल साइनिंग ऑफ।